जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, एक नए वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। और अभी आपने देखा होगा कि एक साइक्लोन आया था जो गुजरात, महाराष्ट्र या यूं कहिए कन्याकुमारी तक उसका असर था। इधर राजस्थान में भी उसका काफ़ी असर पड़ा और न्यूज़ चैनल के माध्यम से तो काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। परंतु इस समय मैं नागौर के बोडवा गांव में, साइक्लोन के टाइम मैं यहीं आ गया था और इस साइक्लोन का बहुत अच्छा मैंने फ़ायदा उठाया। तो वो फ़ायदा ये है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, साइक्लोन के कारण यहाँ बारिश हुई और वातावरण बहुत सुहाना, बहुत अच्छा रहा, कोई नुकसान नहीं हुआ। साइक्लोन की अभी एक वीडियो क्लिप आपको बीच में दिखाएंगे। यहाँ नाइट में आया था 12-1 बजे, तो नाइट में लाइट चली गई थी, फिर भी टॉर्च के रोशनी में हमने थोड़ा लिया तो पेड़ पत्तियाँ अपना बहुत हिल रही थी, तूफान सा था। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है 40-50 किलोमीटर की स्पीड से हवा थी, लेकिन उसके साथ साथ जो ये बादल आया उसका बहुत अच्छा लाभ हुआ इस क्षेत्र को, एग्रीकल्चर को, क्योंकि उससे बरसात हुई और बरसात से एग्रीकल्चर को बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस साइक्लोन का मैंने क्या फ़ायदा उठाया, क्योंकि साइक्लोन के कारण यहाँ साइक्लोन तो वैसे रात में आया था 12 बजे, परंतु दिन में भी उसका प्रभाव दिखा है जो आप देख रहे हैं। कम से कम 40-50 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही है, पेड़ पत्तियां, वृक्ष ये झूलते हुए आप देख रहे हैं। और इस तरह से दिन में भी साइक्लोन का असर रहा, आसमान में बादल छाए हुए हैं ये आप देख रहे हैं, बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। इस तरह से क्लाइमेट बहुत अच्छा रहा साइक्लोन के कारण। और जहाँ तक यहाँ की बात है, यहाँ कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। बहुत गर्म रहता है, सूर्य इस साइड में निकलता है, सामने आप देख रहे हैं सूर्य ऊपर, और इस साइड से इधर घूमते हुए इधर जाता है। तो ये रूम है, तो रूम पे सूर्य की रोशनी चारों तरफ पड़ती है, जिसके कारण ये रूम बहुत गर्म रहता है। तो यहाँ महाराज जी ने जो है जितने भी रूम बनाए हैं, हॉल बनाए हैं, सबके सामने पेड़ लगवाए हैं, लेकिन इसके साइड में पेड़ नहीं थे, तो हमने सोचा यहीं पेड़ लगाया जाए। तो एक इसके बगल में सूर्य साइड से एक नीम का पेड़ ये लगाया गया जो आप देख रहे हैं, ये है ये नीम का पेड़। और दूसरा इधर लगाया, क्योंकि सूर्य इसी राउंड से घूमता है, हुआ चलता है, तो ये दूसरा पेड़ लगाया, छोटा है लेकिन हो जाएगा। और तीसरा ये पेड़ लगाया, और यहाँ हमारे मोर सब रमन कर रहे हैं ये, और चौथा ये पेड़ लगाया। क्योंकि इस बरसात से इनको क्लाइमेट अच्छा मिला, शीतल क्लाइमेट, बरसात हुई, जल आया, तो ये पेड़ हो जाएंगे, लग जाएंगे। ये है रूम, सामने दिख रहा है, तो इसके चारों तरफ अब पेड़ लगा दिया सूर्य के राउंड फिगर में। आप मोर की आवाज़ सुन रहे हैं, मुझसे ये 2-10 फीट दूर है दीवार पे। तो आपको बोल रहा था कि यहाँ एग्रीकल्चर किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। ये आप देखिए किसान, ये अपने खेत को जोते हुए हैं, अब इसमें जल पड़ गया है तो ये इसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे। ओह, जल पड़ गया है, अब इसकी पुनः जोताई करके अपना बीज डाल देंगे, फसल बहुत अच्छी होगी। और बल्कि ये पीछे मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर के पीछे नीम का पेड़ है। केवल इस रूम के साइड में पेड़ नहीं थे, तो चार पेड़ लगा के भविष्य के लिए, अभी जब भी तैयार होंगे। और बरसात के कारण आश्रम का बहुत मनोरंजक
वातावरण है, हरियाली आप देखिए, शुद्ध वायु। मैं आपको आश्रम का एक फिगर देता हूँ, ये देखिए पुष्प, और इधर ही भी ये सब वो जो हॉल बने हैं, ये हॉल है सामने जो आप देख रहे हैं। इस हॉल के चारों तरफ महाराज जी ने फूल के पेड़ लगा दिए हैं। तो ये पुष्प आप देख रहे हैं और ये आश्रम का फिगर है, आप देखिए मंदिर, मंदिर के पीछे नीम के पेड़ बहुत सुंदर। इस रूम के पीछे भी नीम के पेड़ हैं, सामने भी है। और आपको एक चीज बताऊं, इस आश्रम की खासियत ये है कि आपने अयोध्या में सुना होगा गुलाब बाड़ी, और ये आश्रम जो है कनेल बाड़ी के, समझ लीजिए जितने प्रकार के कनेल पाए जाते हैं सब इस आश्रम में हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, एक ये कनेल आपने देख ही रहे हैं, और गेट से यहाँ तक लेकर कनेल ही लगे हैं, और भी कई क्वालिटी के कनेल लगे हैं, वाइट है, पीला है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। और ये आप देखिए, ये नीम के पेड़ देखिए, ये आश्रम का, और ये आपके सामने मोर पीकॉक डांस कर रहा है, थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये आप देखिए, ये पीकॉक है, मोर डांस कर रहा है, अगर मैं नज़दीक गया तो ये भाग जाएगा, आप देखें। यज्ञ हवन, ये धुना है जहाँ संत लोग हवन करते हैं, जिसके चारों तरफ ये पुष्प है, ये आप देखिए। इस रूम के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, केवल वही एक पेड़ था जहाँ जो है वृक्ष नहीं लगे थे, तो वहाँ चार पेड़ नीम के लगा के हमने उसका भी भविष्य निश्चित कर दिया हूँ। ये आप देखिए लाल कनेल, और आपको यहाँ के कनेल की क्वालिटी दिखाते हैं। हाँ, ऑल टाइप्स कनेल आर अवेलेबल इन दिस आश्रम। और कुछ तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये इस टाइप के भी कनेल होते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये लाल कलर वाला, वाइट कलर का, येलो कलर का, और एक विशेष जो मैं भी नहीं जानता था कि इसको जो है कनेल बोलते हैं, ये समाधि है मंगलदास महाराज जी की, ये आप देखिए, ये भी एक कनेल की क्वालिटी है। पीछे मोर भी बोल रहा है, आप देखिए ये कनेल की क्वालिटी है। इस तरह का भी कनेल होता है, लाल होता है, लेकिन ये चमेली के फूल की तरह दिख रहा है इसका पुष्प, ये देखिए इसके पुष्प को तो आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए, हाँ आ रहा है नहीं आ रहा है कैमरे में, ये इसका पुष्प एक विशेष प्रकार का होता है, ये देखिए, इसका पुष्प देखिए आप, ये एक विशेष प्रकार का है, इसको मैंने पहली बार देखा है, और कल हमें महाराज जी ने बताया कि ये भी कनेल है, तो एक तरह से मैं इसको कनेल बाड़ी कहूँगा, क्योंकि फैजाबाद में गुलाब बाड़ी है, वो मुग़ल काल की है, जिसमें सभी प्रकार के गुलाब लगे हुए हैं, तो ये उसी प्रकार सभी प्रकार के यहाँ कनेल लगे हैं। और ये आपको बताऊं, इस कनेल को महाराज जी ने, ये आप देख रहे हैं, पुष्कर की नर्सरी से लाए हुए हैं।
यहाँ से गाड़ी लेके गए थे फूल खरीदने पुष्कर, तो यहाँ से करीब 150-200 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से इसको लेके आए हैं। तो आप देखिए ये कनेल, ये इसका कलर देखिए, ये कुछ लाल कुछ येलो पीला मिला के, और ये पीला कनेल, ये पूरा पेड़ पीले कनेल का है, और ये पीला कनेल। इस तरह से चार प्रकार के कनेल आप देखें, और वाइट कनेल आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छी तरह, यहाँ वाइट कनेल भी लगा हुआ है। चलो मैं ऐसे ही जंप कर जाता हूँ, ऐसे ही ये आप देखिए, मैं वाइट कनेल के पास पहुँच गया, देख रहे हैं ये पूरा पेड़ वाइट कनेल है। तो हमें लगता है महाराज जी जुट गए हैं इसको कनेल वाड़ी बनाने के लिए, यानी पृथ्वी पे जितने प्रकार के कनेल पाए जाते हैं उस सभी को यहाँ रोप देंगे। और आपको ये बताऊँ ये कनेल क्या चीज़ होती है, कनेल के पुष्प से शंकर भगवान का पूजन अभिषेक किया जाता है। तो वाइट कनेल आप देखिए, तो आपने व्हाइट देखा, येलो देखा, येलो एंड रेड मिक्सचर कनेल देखा, रेड देखा, और एक वो बैजंती की तरह जो फूल था कनेल का वो आपने देखा। इसे पांच प्रकार के, छठवें कनेल पर हम चल रहे हैं, देखिए। तो आज से मैं इसका कनेल वाड़ी, ये देखिए ये व्हाइट रेड, और पुष्प इसका एकदम अलग भिन्न, देख रहे हैं। तो ये है कनेल वाड़ी, ये पूरा पेड़ आप देख रहे हैं, ये छठे प्रकार का कनेल है। और अभी बताया कि कुछ और लगे हैं जिनमें पुष्प नहीं आया है, तो यहाँ 6-7 प्रकार के कनेल के पुष्प लगे हुए हैं। और ये एक विशेष, देखिए आप देख रहे हैं इस फूल को, तो आप लोगों ने देखा होगा, सरकार अब लगा रही है, ये भी एक कनेल है, कनेल टाइप का ही पुष्प है, ये देखिए येलो, उस येलो वाले से ये भिन्न है, उस येलो वाले से ये भिन्न है, इसमें पुष्प आया है, ये आप देखिए। और ये आप बट वृक्ष देख रहे हैं, पीपल बट नीम, जो सनातन धर्म का प्रतीक है, बट गेट के सामने ही लगा हुआ है। तो मैं कह रहा था इस साइक्लोन का फायदा ही हुआ है, यहाँ नागौर क्षेत्र में कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है, और यहाँ एग्रीकल्चर को बहुत फ़ायदा हुआ, और इसका फ़ायदा हमने भी उठाया कि 4 पेड़ नीम के रोपे हमने। ये आप देखिए, अभी आपको पहले भी दिखाया था, अब भी दिखा रहा हूँ, ये नीम के पेड़ लगाए, ये इस तरह से आगे एक पेड़ और पीछे 2 पेड़। यहाँ 7-8 प्रकार के कनेल आपने देखे, और इसको वैसे हंसी मजाक में मैं कह रहा हूँ कि आश्रम का नाम जैसे गुलाब बाड़ी रखा है अयोध्या में, वहाँ रेड कनेल ये सामने, तो और उसमें सभी प्रकार के गुलाब लगाए गए हैं। तो महाराज जी भी अपने आश्रम में, क्योंकि यहाँ मेन मंदिर जो है वो शंकर भगवान का है, तो शंकर भगवान के पूजा अर्चन की सामग्री में जितने प्रकार के चीज़ें होती हैं वो सब इस आश्रम में लगाई गई हैं, और इसको बहुत दूर दूर से जाकर लेके आए हुए हैं महाराज जी, 200-200 किलोमीटर दूर जाके कार से गाड़ी से इन सब की क्वालिटी लेके आए। वो अब भी इनको कहीं मिलता रहता है, ये भी कनेल है, अब ये कौन सा कलर देगा, येलो देगा कि रेड देगा, व्हाइट देगा,
अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि इसमें पुष्प नहीं लगे हैं, क्योंकि यहाँ। और इसके बाद हम आपको इस आश्रम की एक और विशेषता दिखाते हैं, जल तालाब जो झील की तरह है। तो चलते हैं जल के तालाब को देखते हैं। इसमें आप जैसे ही ये गेट है बाहर का घुसेंगे, वैसे ही आपको पहला स्वागत ये कनेल के पेड़ आपका करेंगे। येलो कनेल है, देखिए ज़मीन में गिरा हुआ है, और इस तरफ भी यही आपको स्वागत करेंगे, क्योंकि मेन मंदिर शंकर भगवान का है, तो शंकर भगवान का प्रतीक। अब ये आप देखिए सामने आश्रम दिख रहा है, हम गेट के पास खड़े हैं ये, और गेट के सामने ठीक ही तालाब है। तो ये हम गेट खोलते हैं, रोड पे चलते हैं। ये अब तालाब की तरफ चल रहे हैं, बाहर रोड से आप आश्रम देख रहे हैं। ये आश्रम का गेट दिखाई दे रहा है, और ठीक इसके सामने ये आप तालाब देख रहे हैं। तालाब की तरफ चलते हैं। राजस्थान में लोग प्राचीन काल में बरसात का पानी इकट्ठा कर लेते थे, और उस पानी को साल भर पीने के लिए और भी कार्यों के लिए प्रयोग करते थे। आप देखेंगे एक पूरी तरह तालाब एक झील की तरह है, और इसके बरसात में ये जल भर जाता है, और इसके 2 किलोमीटर राउंड में कोई भी लेटरिन बाथरूम या कुछ भी नहीं कर सकता, कोई चीज़ निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि उतने क्षेत्र का जल जो है बह के इस तालाब में इकट्ठा होता है, और पूरा गांव साल भर इस वार तालाब का के जल का प्रयोग करते थे। ये प्राचीन व्यवस्था थी, आज भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये शुद्ध आसमान का जल होता है। घर पे ले जा के अपने ढंग से गांव वाले फिल्टर करते हैं, और फिर इसको पीते खाते भी हैं। और अब तो गवर्नमेंट की तरफ से आप सामने टंकी देख रहे हैं, वाटर टैंक, वाटर सप्लाई है ये है, और ये सामने आप आश्रम देख रहे हैं। तो साइक्लोन का मैं यही फायदा उठाया, आप देखिए आसमान में बादल हैं साइक्लोन के कारण। साइक्लोन तो खत्म हो गया है, लेकिन वातावरण बहुत अच्छा बना के गया है यहाँ के लिए। साइक्लोन के क्लाइमेट का मैंने फ़ायदा उठाया, जो नम बरसात हुई उसका फ़ायदा उठाया, और उसे 4 पेड़ नीम के लगाए। और आप सबको भी वृक्षारोपण करना चाहिए, हर साल कम से कम 2-4-10 पेड़ लगाएं, जिसमें से 2-1 पेड़ तो रेडी हो जाएंगे, जो आपको आपके ऑक्सीजन की डाइट को पूरा करेंगे। देखिए आप भोजन करते हैं, कमाते खाते हैं, सब कुछ अच्छा है, अगर 1-2 दिन भोजन ना मिले तब भी आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर 2 मिनट आपको ऑक्सीजन ना मिले तो जय श्री राम, फिर आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन आपको ये वृक्ष देते हैं, ये ऑक्सीजन की डाइट आपको ये वृक्ष देते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन डाइट के लिए आप अपने ऑक्सीजन के लिए जो आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, और ये वृक्ष आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में आती है उसको लेते हैं, और आपकी डाइट जो ऑक्सीजन होती है उसको देते हैं, और ये उसको चेंज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से चेंज करके ऑक्सीजन बना देते हैं, और आप ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हो ये गैस। तो ये आपकी एक डाइट देते हैं आपको, जो आप हर क्षण लेते रहते हो, और अगर वो 2-4 मिनट रुक जाए तो यू कैन नॉट अलाइव, तो आप जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए हर साल कम से कम 2-4-10 पेड़ आप वृक्ष के लगाएं, जिससे आपको साल भर ऑक्सीजन मिलती रहे। वो कहीं भी लगाएं,
जहाँ भी आपको उचित जगह मिले, फॉरेस्ट भी आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है, फॉरेस्ट में जाके फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेके वहाँ लगा दें, शहर में है नगर पालिका से आप परमिशन लेके वहाँ लगा दें, और रोड के किनारे आप PWD से परमिशन लेके रोड के किनारे लगा दें, नहर के किनारे लगा दें, तो इससे एक फ़ायदा होगा और आपको भी वातावरण का अच्छा लाभ मिलेगा। और बीच में हम इस क्लाइमेट का आपको एक कुछ क्लिप इस वीडियो में डालेंगे, जैसे मोर नाच रहा है, चिड़िया चहक रही हैं और सब ऐसे सुंदर वातावरण। उस समय बैठे बहुत थे, हाँ उसी समय अब उनको भी मालूम हो जाता है। चलो सब्जी तो नहीं चला रखा, नहीं जल जाएगी। ये बच्चे हमारे आ रहे हैं पूजन करने के लिए, और ये साहब गाड़ी से आ गए हैं, ये यहाँ के प्रिय भक्त हैं अपना सब काम करने के लिए। ये बच्ची जा रही है शंकर भगवान का आज पूजा करेगी, आज मंडे है, सोमवार है। जय श्री राम। आप देखिए शंकर भगवान के पूजन में जो सामान लगता है, मैं कह रहा था देखिए पुष्प लिया इस बच्ची ने, इसलिए लगाया गया है, दूध से अभिषेक करेगी, दूध भी लेके आई है, अगरबत्ती भी लगाएगी, माचिस भी लगाएगी ये बच्ची, प्यारी सी बच्ची। तो ये शंकर भगवान के पूजन के लिए महाराज जी ने सारी सामग्री यहाँ इकट्ठा कर दिया है।